हेलो एवरीवन, आज हम 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये आपके एंट्रेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। स्पेशली जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड ओडीएल या स्पेशल बीएड करने वाले हैं, क्योंकि इसमें उत्तराखंड की जीके से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये एग्ज़ाम है, पुराना है, तो अभी रिसेंट में कौन है इसके जो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो मनोज सोनी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, माउंट एवरेस्ट की चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल इसका आंसर है। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 है। निम्नांकित अभिनेताओं में से किसे दादा साहेब फाल्के सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? तो शम्मी कपूर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नांकित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था? नहीं पूछा है, तो साइमन आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई थी? राजस्थान इसका आंसर है। राजस्थान का नागौर जिला वहाँ पे जो है पहली बार आरंभ की गई थी। डेट आप मुझे बताएंगे, डेट और सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ है? भारत में स्थित है, गुजरात में। 58 है, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग हमारा है हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में, और अभी जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा। ठीक है, प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा। क्वेश्चन नंबर 57 9 है, सायंकाल का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, सबको पता ही होगा। उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवी। आई थिंक पिछली बार भी क्वेश्चन पेपर में आया था ये। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल का है। उसके बाद हमारा है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, बेसिकली स्टार्ट हुआ था प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, और जो बेसिक नीड्स होती है ना स्कूल की, उनको फुलफिल करने के लिए ऑपरेशन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, रक्त का थक्का जमाने में सबको पता ही है विटामिन के, इसका ऑप्शन करेक्ट है। एक चेक भुगतान की वैधता अवधि तो 6 महीने होती थी पहले। ठीक है, तो अभी ये पेपर पुराना है और ऑप्शन में कहीं भी 3 महीने नहीं है, क्योंकि 2012 में 1/4/2012 से जो चेक भुगतान की वैधता है, ठीक है, तो वो 6 से घटाकर 3 महीने कर दी गई है। ठीक है, तो 3 मंथ करेक्ट आंसर है। अगर अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो ये पुराना पेपर है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमारा है अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था, सबको पता ही है एनसीटीई की आप लोग फुल फॉर्म मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वंदे भारत वंदे मातरम ट्रेन चलती है दिल्ली से वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, तो 67 में मैंने क्या किया है, मैंने इसको सॉल्व किया था और समझाने का तो क्या ही है, बहुत ईजी है, कर लोगे पुत्री इसका आंसर है। और 68 में मुझे लॉजिक जो मुझे लगा, तो आई थिंक ये सेकंड वाला ऑप्शन होना चाहिए, और इसमें मुझे 398, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता ये, और इसमें चैलेंजर डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें हमारा 45 आंसर है, और इसको तो इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो मैं एक्चुअली फर्स्ट 72 का बी है, मैंने एक मिनट सॉल्व किए बी के, वो पेपर नहीं मिल रहा है मैंने जहाँ सॉल्व किए थे, तो आई थिंक बी है ये, तो कर लोगे ना इजी, इसमें से मिलेगा बी था। और जो खिलाड़ी नहीं अध्यापक है, ये आप इसको देखोगे, इस पिक्चर को, इस डायग्राम को, तो ईजिली आप लोग कर लोगे आराम से, तो इसको देख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 75 तक। क्वेश्चन नंबर 76 है, दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की थी? तो 1913 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 77, भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा? तो पता ही है कहाँ पे है, बिहार में। इंदिरा गांधी 1985, ठीक है, उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान इज करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता भी है।
क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है तो वो कहाँ होती है? मसूरी में, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 83, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज़ है? तो किसकी आवाज़ है यहाँ पर? तो गिरीश कर्नाड की। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तराखंड राज्य किस राज्य में एम्स है? तो ऋषिकेश इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है? तो गंडक नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है। कहाँ बहती है ये आप लोग मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है? तो बागनाथ इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा निम्नांकित में से कौन मैक्स के पुरस्कार से सम्मानित है? तो चंडी प्रसाद भट्ट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली थे जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था लास्ट ईयर, लेकिन अभी रिसेंट में कौन है? तो रोजर बिन्नी है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो रोजर बिन्नी, ठीक है। उसके बाद हमारा है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जिनकी वो जो प्लेन उसमें यात्रा में जो उनका पर्सनल जेट था उसमें जो उनकी दुर्घटना से मौत हो गई थी, तो ये हमारा जनरल बिपिन रावत जी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इन्होंने नहीं पूछा है यहाँ पे, तो मालदीव सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की फुल फॉर्म आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वो है टेड्रोस ए गेब्रेचियस। 94, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सबको पता ही होगा, एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? होमी जे बाबा को। 96 है, भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? तो मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया, ठीक है। मनसुख मांडविया वैसे हम लोग याद करते हैं, बट पूरा नाम उनका है मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया, ठीक है। मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया, ठीक है। तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो करंट का क्वेश्चन है ये। असम की राजधानी दिसपुर है, नॉट दिसपुर, दिसपुर, ठीक है, सबको पता ही होगा ये। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। निम्नांकित में से कौन केंद्र प्रदेश नहीं है? तो गोवा हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है क्योंकि ये एक राज्य है। भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है मेघालय। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इस वीडियो का मैंने टारगेट रखा है एटलीस्ट मिनिमम 100 व्यूज़ आएंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, क्वेश्चन पेपर ढूंढने में, आंसर सर्च करने में, और फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में। फिर जब मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को नीड नहीं है, और जब डिमांड नहीं हो तो फिर सप्लाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ होता है। तो अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों की डिमांड है तो मैं डेफिनेटली और वीडियोज़ बनाऊँगी, बट लगेगा कि यार मतलब ठीक है आप लोग खुद से ज़्यादा बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं तो वो ऑप्शन भी बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा भी है, तो मुझे अगर लगेगा कि हाँ सफिशिएंट व्यूज़ आ रहे हैं तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। बाकी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके एंट्रेंस से रिलेटेड तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कलर्स ऑफ एजुकेशन, आपको कलर्स ऑफ एजुकेशन टाइप करना है, देन यू कैन फाइंड माय चैनल टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम ग्रुप। तो आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आपकी पूछ भी सकते हैं। किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में आपको लगा हो कि मैंने गलत आंसर दिया है तो वो भी आप लोग मुझे सजेशन बता सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरी वन,
हेलो एवरीवन, टू वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस पीडीएफ से दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, होप उनमें से आपके पेपर के लिए हेल्प हो जाए। तो अब हम बात कर रहे हैं आगे कौन से क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? तो जोसेफ मोरे ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईईजी का आविष्कार किसने किया? हॉस बर्गर ने। ईईजी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू विषाणु द्वारा होता है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मांस अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के, तो ये सबको पता ही होगा। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए ज़्यादा मात्रा में? वसा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व? ऑक्सीजन। जहरीले पदार्थों को क्या कहते हैं? टॉक्सिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, ठीक है। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। अभी इससे पहले जो दो वीडियोस अपलोड की थी, इस हार्मोन के बारे में बात भी हुई थी। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है ATP के रूप में। RNA का मुख्य कार्य है RNA, इसकी फुल फॉर्म प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्रोटीन का संश्लेषण करना। ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? मस्तिष्क की। गेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बहुत बार। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं बैक्टीरिया से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हमारी 6। पौधों का प्रजनन अंग है फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। सिंकोना पौधे के किस भाग में कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। उसके बाद है हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? M.S. स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स। खरीफ के मौसम का समय है जून से सेप्टेम्बर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन सा है? थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेशिया के। द्विलिंग रोग किस फूल में होता है? नींबू में। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय।
उसके बाद है हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था, तो किसका बढ़ा था? गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो गुजरात। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। उसके बाद हमारा रेड रॉट रोग किस फसल का है? गन्ना। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा है लखनऊ में। उसके बाद हमारा है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो कौन सी नस्ल है? जमुनापारी। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस की है। और ये मुझे बताइए कि ये कहाँ पाई जाती है ज़्यादातर? सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसीन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है? किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेंडियर। ठीक है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानीन। एपिकल्चर मधुमक्खी पालन, लाल क्रांति, मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। नीली क्रांति सुबह ही बात हुई थी जो हमने वीडियो डाली थी, तो मत्स्य उत्पादन से है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तन 2% तक बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार चेंजेबल होता है, ठीक है, परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान उसका जो है वो स्थिर रहेगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा? तो वो चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, हमने किए थे। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। उसके बाद हमारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। उसके बाद यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि हमारी कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है कौन है? आर्किमिडीज। ठीक है, किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव जो होता है वो क्या कहलाता है? वो डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। पौधे में भी जीवन होता है ये किसने बताया था? जेसी बॉस ने। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। आइंस्टाइन को नोबल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्वार्ट्स इंडिया किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दाब विद्युत प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीपक उत्सर्जन। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। लेंस का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेंटिंग पद्धति का। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेंटिंग पद्धति। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका नियम है? ओम का नियम है।
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंटल, जिन्होंने मटर के दाने पे अपना शोध किया था। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन ने। गैमिट की शुद्धता का नियम किसने दिया था? मेंटल ने। सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है। आई थिंक ये थर्ड बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। उसके बाद है संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना जी ने। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबल पुरस्कार वो कब मिला था? वो मिला था उन्हें 1968 में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको हम जीनोम बोलते हैं। आनुवंशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो वो है लाल और हरा रंग। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन एवं क्रिक ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। उसके बाद हमारा है विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह में पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाएगा। सम क्वेश्चंस आर मोस्ट फेवरेट ऑफ एग्जामिनर, तो जहां मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है उसको एक बार दोबारा देख लेना। उसके बाद है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम आता है? तो अवतल दर्पण। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? अक्रिय गैसों का। एक अश्व शक्ति समान है 746 वॉट की। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा रंग का दिखाई देता है? काला। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन इसका आंसर है। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहती है ऊर्ध्वापातन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है? तो सोडियम बेंजोएट। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका निकेल आंसर है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ये धातु है पारा, जो कि एक तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में मिलती है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है, तो विशुद्ध रूप है हमारा हीरा। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन इसका आंसर है हमारा। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? तो ब्यूटेन इसका आंसर है। उसके बाद है कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है एसिटिलीन। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर इसका आंसर है। उसके बाद है खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट।
रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर इसका आंसर है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड मतलब इस पीडीएफ में ऑलरेडी ये दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। रिपीटेड क्वेश्चन है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक कारण, ठीक है, प्राकृतिक वरण, सॉरी। उसके बाद हमारा सर्वव्यापी रक्तदाता ग्रुप ओ है, जो सभी को खून दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये बार बार ऐसा लगता है, मतलब पूछा ही जाता है, एग्जामिनर को पूछना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये सबको आता भी होगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में? रिपीटेड क्वेश्चन है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन। रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर है। उसके बाद है हमारा बोनक्राइट्स, एक रोग है यकृत का। BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए, क्षय जो TB का रोग होता है। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग। घावों को शिक भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है? तो DNA। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिपीटेड क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, सबको पता ही होगा। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। बेरी रोग विटामिन बी की B1 की वजह से कमी की वजह से होता है। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी, सबको पता ही होगा। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, सबको पता ही होगा, और ये पेपर में आता भी है। जारावाइक 7 क्या है? जारावाइक 7 कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर है। मानव जीवन का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का तापमान फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.4 फारेनहाइट, ठीक है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यूरिन में, मूत्र में, ठीक है। उसके बाद है पॉस्चराइजेशन का क्या अर्थ है? तो पॉस्चराइजेशन का अर्थ है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेंढक में। वैसे मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है तो रक्तालपता की रोग, ठीक है, रक्तालपता मतलब रक्त में कमी, ठीक है, ये रोग होता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। अदरक का भी तना भाग खाया जाता है। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जहरीले पदार्थों को क्या कहते हैं? टॉक्सिन। रिपीटेड क्वेश्चन है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एवं टेटम ने। उसके बाद हमारा है pH मान का निर्धारण किसने किया? तो pH मान का निर्धारण किया है सोरेंस ने। दीप दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवगरण। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल होता है कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हमारा है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का क्या कारण है? तो क्लोरीन। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। LPG में मुख्यतः गैस रहती है ब्यूटेन। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किससे बनता है? पेट्रोल एवं इथेनॉल से। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो अणु कहलाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये खोज वाले क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ना मत, ठीक है, पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो JJ थॉमसन द्वारा। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटीन में कौन सा गैस होता है? धनावेश। उसके बाद है ये आवेश होगा, गैस नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश।
किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका आंसर है। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम प्रिपेन प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक है मीथेन ब्यूटेन व प्रोपेन। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? निकोटीन इसका आंसर है। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा की जाती है? गलनांक बिंदु द्वारा। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है 3000 डिग्री सेल्सियस। चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली गैस कौन सी है? मीथेन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल। और ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछते हैं ये। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यायस्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा सल्फर। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? नाभिक के प्रोटॉन के बराबर। उसके बाद हमारा है तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है 273 केल्विन। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है एसिटिलीन। तारपिन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? पाइनस। लार की प्रकृति है अम्लीय। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? तो इसका आंसर है हमारा फास्फोरस। पेट्रोलियम किस प्रकार की शैल में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है अवसादी शैलों में। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले धातु है लोहा। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो पेप्टाइड। माचिस की तीले का काला भाग बना होता है पीले फास्फोरस से। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद हमारा है किस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के पानी से सामान्यतः नमक प्राप्त किया समुद्र के पानी से नमक जो है वो निकाला जाता है? तो वाष्पीकरण है। किस तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? तो कार्बन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। उसके बाद है नदियों का जल वर्षा के जल से अधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला जो शीलन प्रतिशीलन का काम करने वाला वो कौन है? नाइट्रोजन। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है चाय तथा कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। पेंसिल लैंड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? मीथेन की वजह से। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो मानव चेहरा 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। खाना न चिपकने वाले बर्तनों में किसकी एक पतली परत होती है? नॉर्लोन की। लोह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? मैग्नेटाइट। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? 59%। खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है? तो लैक्टिक अम्ल इसका आंसर है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? नोदक। उसके बाद है सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? ऊष्मा श्रेपी। ठीक है, उसके बाद है हमारा पानी जब जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन का। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण होता है? सल्फाइड के कारण। पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ जाता है। निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़े। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। डूबते सूरज का लाल रंग क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कहलाता है? डायनेमो। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव। श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है? जल में। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच। आवाज़ की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? 340 ग्राम औसतन। ठीक है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेंडुलम की घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? शीत ऋतु में। उसके बाद है हमारा मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। रंगीन टेलीविजन में किन तीन रंग का प्रयोग होता है?
लाल, हरा और नीला। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल का। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? हृदय से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल इसका आंसर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। मानव आँख में आयरस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। उसके बाद हमारा है, चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद हमारा, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? फंगस संक्रमण के कारण। रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। पनामा रोग किससे संबंधित है? केला से। कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रभाव होता है राइबोसोम के द्वारा। वेल मछली किस वर्ग में आती है? तो ये स्तनधारी वर्ग में आती है। डीएनए माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। नाइट्रीकरण जीवाणु परजीवी होते हैं। पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए एक मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? तो वो है नाइट्रोजन। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव का। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन इसका आंसर है। भारत में सबसे अधिक यूकेलिप्स के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। उसके बाद हमारा है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंप की लहर कौन सी है? एस लहर। धान में खैरा रोग किस कमी के कारण होता है? जस्ता। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। सीवी रमन को विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, प्रकाश का प्रकरण के लिए। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभि के संलयन द्वारा। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? लीवर को। मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? 4%। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग धैर्य से। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? कवक व शैवाल। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। मेलानिन के कारण हमारी त्वचा का रंग हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? बेंजाइक अम्ल। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी मौसम का। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एस जयशंकर ने। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो एंटीबॉडीज। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रिन का, ओके। उसके बाद हमारा है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? जिससे वह संवहन द्वारा धारा स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? एमनियोसेंटेसिस। पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बिलुरुबिन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस इसका आंसर है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? बैंगनी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। हीलियम की खोज किसने की? लॉकियर ने।
बैंकिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए इसका आंसर है। उसके बाद हमारा परितंत्र को इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रोम। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकांड्रिया में। पायरोमीटर में क्या मापा जाता है? उच्चताप। एक्यूपंचर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? तो एटलस इसका आंसर है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। तो इसको मैंने कैसे याद किया हुआ है विटीकल्चर को? खट्टा अंगूर, वीटी त आ गया, इट मीन्स खट्टा, टी वी टी 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 से समझ जाना खट्टा। ठीक है, इस तरीके से खट्टा अंगूर, यानी कि अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? असमत बेगम ने। और ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। किस तत्व की कमी से भी फीफा रोग होता है? फास्फोरस। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? एस्ट्रोसियम। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो इसका आंसर है ट्रिपैनोसोमा। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? मधुमेह के रोगी को। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होती है? ब्यूटेन व प्रोपेन का। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज। झूठा सोना कहलाता है पाइराइट्स। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का संलयन। लोहे में जंग किसके कारण लगती है? पानी व ऑक्सीजन के कारण। आंसू में कौन सा पदार्थ मिला रहता है? तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम मिला रहता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है लैंगरहैंस ग्रंथि से। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? प्रोटोनों की संख्या। क्वाश्रीय कोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। मरा समस रूप में से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है मांसपेशियां। फाइनली ये पीडीएफ हमारा डन हो चुका है, और कभी इतना ज़्यादा कंटिन्यू बोला नहीं है, बट ये नए वाले फ़ोन में थोड़ी सी फैसिलिटी है कि बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और दूसरे वाले फ़ोन में रिकॉर्डिंग करती हूँ तो रोकना ही पड़ता है वीडियो को। इसमें ये है कि मतलब उसमें स्टॉप करना पड़ता है पूरी तरीके से, बट ठीक है मतलब। और मेरी अभी ना खुद की पढ़ाई भी हो पा रही है, सच बता रही हूँ। इसे कंटेंट ढूंढना आप लोगों के लिए मतलब आसान वाली बात नहीं है, अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ सकूँ। और ये चीज़ हमारे अंदर मुझे लगता है होनी भी चाहिए। अगर भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम किसी और की हेल्प कर सकें, तो हमें बिना किसी अहंकार भाव को लिए हेल्प करनी चाहिए। तो बस यही था, और वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना दोबारा से, होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। और इनमें जो मैंने बताए हैं बीच बीच में कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या ये पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को स्पेशली ध्यान से देख लेना। सारे ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा स्पेशल होते हैं, तो बस उन चीज़ों का ध्यान रखना। बस इतनी सी वीडियो थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। ठीक, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा और एंड तक देखा तो उसके लिए डबल थैंक यू। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें हम लोग चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन हैं। और इसमें जो मैं आपको आंसर बताऊंगी वो ऑफिशियल आंसर किसे मैंने फाइंड आउट किए हैं, और सारे ही आंसर्स ठीक है, बट कहीं कोई सजेशन हो तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, जो छोटी कक्षाएं होती है उसमें जो हमारी खेल विधि होती है, जो प्ले वे मेथड होता है, वो किस विधि पर आधारित है, वो किस पर आधारित है? तो विकास एवं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, कि हमें पता रहता है कि बच्चे का किस लेवल पे
मतलब क्या मेंटली वो होता है, वो किस तरीके से सीख सकता है, तो इसलिए हमारी जो खेल विधि है ये उस पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया है वो हमारा पठन विकार से संबंधित है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो हमें सब बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना है, उनके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है हमारा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें जो अभिप्रेरण है, अभिप्रेरण मतलब क्या होता है, मोटिवेशन है। ठीक है, तो उसमें जो मोटिवेशन है वो क्या है, तो वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगर हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चा सीखने के लिए उसके अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, देखो अगर हमारी क्लास में कोई अलग बच्चा है, थोड़ा स्पेशल नीडी बच्चा है, तो हमें उसको ऐसे सहूलियत नहीं देनी है, मतलब उसको बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराना है कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, हम ही तुम्हारी सब हेल्प से संकाप कराएंगे, ऐसा नहीं है। हमें उसे सक्षम बनाना है ताकि वो अपने काम खुद कर सके, ऐसा नहीं है कि हम उसे हेल्प नहीं करेंगे, बट हमें ऐसा मतलब अगर एक हम आदर्श आंसर चाहते हैं तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से तो हमारा जो आंसर है वो सी इज़ करेक्ट है, कि हमें उनके साथ सामान्य बर्ताव करना चाहिए। आई नो कि वो अलग है और हम सब जानते हैं, बट हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है तो हमें उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि भाई तुम तो अलग ही हो बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खांसी बहुत हो रखी है इस टाइम पे, श्यामपट्ट जो है देखो जिसे हम देख सकते हैं तो वो दृश्य साधन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो श्यामपट्ट पर अगर बच्चा लिखता है, प्रश्नों को हल करता है, प्रश्न पूछता है, तो ये सभी कुशलता से संबंधित है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें 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 लगातार प्रश्न पूछने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, तो किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी, हमारी ये दी थी प्रोवेल ने। उसके बाद है, एक अभिभावक अपने आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे को डांटेंगे या उसे फटकार लगाएंगे, उपेक्षा करेंगे बिल्कुल भी नहीं, पेरेंट्स को लिखेंगे। लेकिन अगर एक आदर्श आंसर की बात करें तो सी जाता है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में तो यही दिया हुआ है, बट सेकंड वाला भी हम लोग देख सकते हैं, बी वाला, बट ऑफिशियली दिया हुआ है, तो मतलब आदर्श की अगर हम बात करें तो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है सॉरी बहुत खांसी हो रख गया। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत से तरीके से बच्चे जो है प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। वीडियो पॉज कर करके रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, गले में ना बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा इस टाइम पर, इतनी खांसी इतनी खांसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है, तो बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद है, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम उनको पहले ही बता दें। निम्न कोटे के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, ये भी नहीं होगा। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना, तो आई थिंक इसका ये हो सकता है कि अगर हम एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए हम चाहते हैं 5वीं क्लास में, तो हमें बच्चों को क्या बोलना, हमें मतलब
हम एक परामर्श दे सकते हैं। तो आई थिंक जो जनरली जो क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है वही टिक करवा दें, तो जो इजीली जो हमें लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं इस टाइप से, मतलब प्रकार, ठीक है। जैसे हम मान लो कोई अनुच्छेद आएगा पेपर में, तो अब एज इट इज़ हम अनुच्छेद तो बता नहीं सकते बच्चों को, तो कुछ एक अलग अनुच्छेद लिखवा सकते हैं ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है समान प्रकार, तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो वो स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। असंगठित घर से आने वाला मतलब किसी घर में कुछ असंगठित है, संगठित नहीं है घर, ठीक है, कुछ सेपरेशन टाइप, कुछ इस टाइप से हम लोग मान सकते हैं, या कुछ लड़ाई झगड़ा इस तरीके से। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो फिर आप एज अ टीचर, तो इसका जो आंसर है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके हम उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है क्लास में, तो आप उन्हें ज़बरदस्ती करेंगे? नहीं। उन्हें कक्षा छोड़ने के लिए बोलेंगे कि चलो भाई बाहर चलो? नहीं। उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें? नहीं। तो आप प्रिंसिपल को सूचित कर देंगे? तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो हमें मेन देखो, अगर हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं तो बच्चा डेफिनेटली इंटरेस्ट लेगा, तो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, ठीक है, जहाँ वो तर्क की बात करता है, ठीक है, जो रैशनल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तो ये है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने स्टेजेस दी है ना, उसमें आइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो चार स्तरों पर किसने दिया है, वो है पियाजे के द्वारा, सबको पता ही होगा। और यहाँ जो स्टेजेस की बात हो रही है, ये भी पियाजे, ये जो चार स्टेजेस है ये पियाजे के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होती है, तो संवेदात्मक, ठीक है, जो अल्पवयस्क अभी छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, उनमें पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए संवेदात्मक, मतलब उनको समझे, थोड़ा सा इमोशनली कनेक्टेड हो उनसे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके कहाँ परिभाषित किया जा सकता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, तो हम उसे सबसे ज़्यादा उसमें कहाँ पे मतलब परिभाषित कर सकते हैं या जांच सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है बी, विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है। उसके बाद है 20 क्वेश्चन, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, तो कौन सा है? अगर अनुप्रेरित शिक्षण है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण निरस्ता। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी क्लास में, तो इसका मतलब आपका एक अनुप्रेरित शिक्षण है, बहुत मोटिवेटिंग आप टीचिंग करते हैं। अब ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और आप पढ़ा ठीक से नहीं रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर क्लास में आपके बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, इट मीन्स उनको समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो आप एक अच्छी टीचर हैं और आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी भी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। अगर आप विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बट अगर हम जनरली देखते हैं तो प्रश्न पूछना, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे की, इनमें भी इन्वॉल्वमेंट होती है, बट एक रट लीजिए क्वेश्चन, मतलब इसका जो आंसर है प्रश्न पूछना। अगर प्रश्न पूछना नहीं होता तो आप लोग चर्चा करने लगाते। विद्यार्थियों को विद्यालय में खोलना क्यों उचित, आई सॉरी खेलना, स्पेलिंग मिस्टेक है, खेलना क्यों उचित है? बच्चा स्कूल में खेलेगा तो क्यों उचित है? तो उसमें बच्चे में सहयोग एवं संतुलन का विकास होगा, सीखेगा बच्चा लीडरशिप क्वालिटी, कैसे एक दूसरे को कॉपरेट किया जाता है, ये सब। परिवार एक साधन है, तो परिवार कैसा साधन है? एक अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, एक टीचर है बच्चों में जो सोशल वैल्यूज है उनको कैसे डेवलप कर सकता है? तो आदर्श, ठीक है, अगर हम खुद रोल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद जाएगी। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है टीचर के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर नहीं कर रहे हैं तो हम फिर बाकी चीज़ें भी अच्छी कर ले तो भी हम अच्छे टीचर नहीं हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को जो मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, हाइपर एक्टिव सॉरी, तो उसको सही दिशा में कैसे लेकर आएंगे। तो उसमें है कि उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने के लिए बोलेंगे, उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। तो जब भी आपकी क्लास में कुछ ऐसा बच्चा है जो हाइपर एक्टिव है तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा काम देके उसकी जो एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथक पृथक समझातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है, तो इसका आंसर है ए, उनके पेरेंट्स की चित्रवृत्ति पर, ठीक है, जैसा उनका पेरेंट्स सोचते हैं वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो फिर आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रधानाध्यापकों ने किसी और कक्षा में? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे कि आप उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब है कि उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो अगर बच्चे में संवेगात्मक इमोशनली अगर वो एडजस्टमेंट है उसके अंदर इतनी स्किल है, एडजस्ट कर लेता है, तो वो हर चीज़ में हेल्प करेगा, अनुशासन में भी, व्यक्तिगत निर्माण में भी और कक्षा शिक्षण में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे, होप आपके लिए हेल्पफुल रहें, और सॉरी तो नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी सॉरी, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी तो लगा कि वीडियो अपलोड कर देती हूँ, बट खांसी तो पता नहीं कब तक ठीक होगी। बट होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको समझ आ गए हो, ठीक है। कोई भी सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हे एवरीवन, आज हम साइकोलॉजी CTP से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके MCQs होंगे और यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो रेड कलर से ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, बट फिर भी जहाँ मुझे लगेगा कि समझाना है वहाँ मैं ज़रूर समझाऊंगी। कोशिश करूँगी कि बहुत ही कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जो RTE एक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स हैं, उनको हफ्ते में कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? तो इसका जो आंसर है वो 45 घंटे हैं, और अभी मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी उसमें भी एक क्वेश्चन करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं आपको, ठीक है। तो जो RTE एक्ट 2009 है उसमें निःशक्त बच्चे आते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं, और बच्चों की नियमित उपस्थिति कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और डेली आएँ, तो इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे नहीं आते, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। तो नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आपकी कक्षा में ये जिसने भी तारे जमीन पर मूवी देखी होगी वो सबको पता ही होगा कि जब बच्चा उल्टा पढ़ता है अक्षरों को, ठीक है, या लिखता है, तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। और मैंने पिछली वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, किसी एक कैंडिडेट ने भी आंसर नहीं किया, कमेंट नहीं किया। प्लीज़ यहाँ अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, अगर आप बता सकते हैं तो। देखो, एक होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, एक होती है विशेष शिक्षा, एक होती है समेकित शिक्षा। तो इन तीनों में अगर किसी को डिफरेंस पता है तो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और तीसरी है समेकित शिक्षा, ठीक है, ये आपको बताना है।
आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो क्योंकि विशेष और समावेशी का आई थिंक मोस्टली को पता है, बट समेकित वाला थोड़ा सा मुझे लगता है किसी को डाउट होगा, तो इसको सर्च करना और मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो NCF 2005 है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उनके बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है, और ये सीटेट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। NCTE बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। फुल फॉर्म्स काफ़ी पूछी जाती है एंट्रेंस में, तो प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमारा है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं है, ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेशन होता है, नहीं पूछा है इन्होंने। तो इसमें बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच होती है, धीमी गति से बच्चा सीखता है और अपने जो डेली के काम होते हैं डेली लाइफ के वो नहीं कर पाता है, और वातावरण के साथ उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, तो ये सारे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं। लेकिन अंतर व्यक्ति संबंधों का कमज़ोर होना, ठीक है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनका कमज़ोर होना नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है विशेषता नहीं है। तो ये तीन विशेषताएं हैं जो मेंटली रिटार्डेशन होता है, बट जो चौथी वाली विशेषता है कि अंतर व्यक्तिक संबंध उसके कमज़ोर होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, तो वही जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए प्रावधान किया जाता है, जो भी उनके लिए लॉज वगैरह बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वो समावेशित शिक्षा के अंडर बनते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो प्लीज़ नहीं वाले क्वेश्चन ध्यान से देखना। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है तो वो क्रिएटिव थिंकिंग रखता है, ठीक है, दूसरों के साथ नहीं झगड़ता है, अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, वो कुछ नई चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, क्यूरियोसिटी होती है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। वो बात अलग है कि बच्चा झगड़ा भी कर सकता है, बट प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं थोड़े से सिंसियर भी हम कह सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, अभी ये क्वेश्चन करवाया था, पठन विकार, पढ़ने से रिलेटेड है, ये उल्टा पढ़ता है बच्चा। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जब हम समावेशी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड है, उनको हम एजुकेशन किस रूप में प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम अन्य सामान्य बालकों के साथ, ऐसा नहीं है नहीं भाई तुम तो स्पेशल हो स्पेशल स्कूल में जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो हमें उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना है और उनको एडमिशन देना है, हम उन्हें एडमिशन देने से भी मना नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही हम उसे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। मैं जहाँ सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ने की ज़रूरत है मैं वहाँ नहीं पढ़ रही हूँ, टाइम बचाना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये विशेषता है, तो ये विशेषता है सृजनशील बालकों की, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ठीक है, जो सजग होते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति, तो सृजनशील बालक कहेंगे। इसमें विशेष शिक्षा संबंधित है तो किससे है, तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशल एजुकेशन पूछा है, तो स्पेशल एजुकेशन होते कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक, जब हम जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको हम जब अलग विद्यालय में एजुकेशन देते हैं तो हम उसको विशेष शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। एक अमर ज्योति स्कूल है आई थिंक कड़कड़ नुमा साइड में, तो उसमें हमारी विजिट हुई थी जब मैं डाइट में थी, तो वहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग सब चीज़ें हैं, जो ब्लाइंड है उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, और जो मतलब मेंटली रिटार्डेशन है या जिनको या कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो इस तरीके से जो उनके हिसाब से जो उनके कार्यक्रम बनाए जाते हैं एजुकेशन के लिए, उसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, एक असंगठित घर से आने वाला, मतलब जिसके घर में लड़ाई झगड़ा लगा लो, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स रहती है, तो अगर वो बच्चा स्कूल आता है तो ऐसे वे में वो क्या अनुभव, मतलब क्या कठिनाई का अनुभव करता है, तो रोजगार अभ्यास स्वयं पाठ को तैयार करना, तो वो आएगा स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है, खुलकर अध्ययन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बच्चा एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि
मतलब देखो मतलब बहुत से होते हैं ना, शायद हम में से भी कुछ लोग होंगे जो असंगठित घर होगा जिसका, है ना, तो कुछ भी ऐसा मतलब कुछ सिस्टमेटिकली नहीं है, तो वो स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा बच्चा, है ना। तो इसमें ये वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। एक मिनट, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो इसमें आएगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, कौन से बाहरी कारण हैं। दो तरीके के कारण होते हैं, इंटरेस्ट जगाने के भी, ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब लाने में रोकने के भी। तो यहाँ पर बाह्य कारक की बात हो रही है, तो भावना और मनोभाव तो बच्चे के अंदर के है, बाला का दृष्टिकोण लक्ष्य प्रयोग सब उसका इंटरनली है, तो एक्सटर्नली में आ जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग जो हम दी जा रही है। कमज़ोर वर्ग जो वीकर सेक्शन होता है के बालक से तात्पर्य हैं, ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं वीकर सेक्शन, तो वो कौन से होते हैं, तो ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं, जो EWS कैटेगरी से बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिछड़े है ये, ठीक है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं तो जिनकी सीखने की गति धीमी हो, कहते हैं ना पिछड़ा हुआ बच्चा है, तो सीखने की गति कम हो, उनका बुद्धि लब्धि इस तरह से 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एलेक्सिया क्या है, ठीक है, एलेक्सिया पढ़ने की एक क्षमता है, और आई थिंक ये डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। ओके, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, साइजोइड वर्ग में तो प्रतिभाशाली बालक आते हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसका मैं एग्जैक्ट नाम भूल गई, किसी ने ये थ्योरी दी है, ट्रेड थ्योरी, बिल्कुल अभी एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, ट्रेड थ्योरी दी है, उसी में से ये क्वेश्चन है आपका। किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट करना, साइकोलॉजी अभी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं रहता कभी कभी कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। देखो स्पेशल चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्पेशल चाइल्ड में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें दिव्यांग बच्चे ही आते हैं, स्पेशल बच्चा मतलब वो स्पेशल है, स्पेशल वो पिछड़ा बच्चा भी हो सकता है भाई, वो स्पेशल है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, और वो बच्चा बुद्धि वाला बालक भी हो सकता है, और वो बच्चा दिव्यांग भी हो सकता है, तो ये सभी हो सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मत लेके चलिएगा कि अगर स्पेशल चाइल्ड की बात हुई है तो वो स्पेशल, मतलब हम कहते हैं ना स्पेशल एजुकेशन, तो हम इससे कोरिलेट कर लेते हैं कि स्पेशल बच्चा यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप है या किसी भी तरीके से उसको प्रॉब्लम है, डिसेबल है बच्चा, तो ऐसे में हम उसको ये नहीं मान सकते कि वही स्पेशल है, स्पेशल चाइल्ड हर स्पेशल है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि अगर स्पेशल चाइल्ड की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि टीचर के लिए हर बच्चा स्पेशल होता है, तो हर बच्चे में हर तरीके का बच्चा आएगा, इस तरीके से आप इसको लगा लो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, अपराधी बालक कौन है। तो अपराधी बालक वो जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी कि जो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं वो कार्य करते हैं, वो अपराधी बालक की श्रेणी में गिने जाते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं तो उनको डिसग्राफिया होता है, ठीक है, डिसग्राफिया, ग्राफ करने का, ग्राफ मतलब कुछ बनाना, ठीक है, तो बच्चा डिसग्राफ यानी कुछ यानी हाथ से कुछ कर रहा है बच्चा, है ना, तो वो फिजिकली है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय लेने में क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है और वो 100 को वॉज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता तो वो डिसलेक्सिया है, और ये चौथी बार आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये इतनी बार मतलब मैंने 5-6 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और ये हर बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो पूछा जाता है ये। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, कि अगर आपकी क्लास में कुछ फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं तो आप ऐसे में क्या कहेंगे उन्हें, कि ऐसे तो बोलेंगे नहीं, कि जो पहला ऑप्शन है कि पोलियोग्रस्त बच्चे, बिल्कुल गलत है, आप ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है,
पहिया कुर्सी वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। इस तरीके से आप उन्हें बोल सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हैं, जैसे कोई बच्चा अगर ग्राउंड में बैट बॉल खेलने जा रहा है या वॉलीबॉल कुछ भी खेलने जा रहा है, तो ऐसे में उन बच्चों को उसी जैसी कुछ ऑप्शनल हम कुछ एक्टिविटी उनको हम क्लास में करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं बोल सकते भाई अपनी पैसा की उठा ला और मैदान में चल, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको वो स्कोप, वो एक्सपोजर नहीं मिलता है, ठीक है, जो विद्यालय द्वारा उपलब्ध उनको वो नहीं करवाया जाता है। डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, किसके कारण होती है, तो बी और सी, अनुवांशिकता और अभिप्रेरणा, वातावरण अभिप्रेरणा, दोनों के कारण क्या होती है, हमारी प्रतिभाशील तो होती है, हम कितने प्रतिभाशाली होंगे ये हमारे जो जीन्स हैं और जो हमारे हमें इन्वायरमेंट मिला है उस पर डिपेंड होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए हमें उन्हें अधिगम योग्य वातावरण हमें बनाना है तो कौन सा उपयुक्त है। तो अगर हम चाहते कि बच्चा सीखे और सुनने में अधिगम का उसका वो बढ़े, सीखना और सुनना, तो शिक्षार्थियों को हमें यह छूट देनी चाहिए कि उन्हें क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं उनको बैठा के रखेंगे भाई सुनो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरी है यहाँ पे उनको बार बार गृह कार्य, तो भाई लोग ये काम करके ये भी ना, और सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, तो बिल्कुल खुला भी नहीं छोड़ सकते ऐसे, ठीक है। तो अपनी क्या कहते हैं मतलब अपने उसमें रखना उनको सर्वेलेंस में, और फिर उनसे काम लेना बच्चों से, ठीक है, और उनको जानना कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से सीखना चाहते हैं, ठीक है। हर बच्चा का अपने एक अलग तरीका होता है सीखने का, हर बच्चा हर एक ही तरीके से नहीं सीख सकता। क्वेश्चन नंबर 31 है, गति कौशलों में अधिगम में निरोग्य डैश कहलाती है। गति के यहाँ पर फिजिकली बात हो रही है, जो हमारे फिजिकली जो कौशल होते हैं, फिजिकली जो हमारी स्किल्स होती है, में अधिगम में निरोग्य कहलाती है। अगर हम उन्हें करने में असमर्थ हैं या निरोग्य हैं तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। क्या कहलाती है, डिस्प्रेक्सिया, गति कौशल, ठीक है, डिसकैलकुलिया तो मैथ से रिलेटेड होती है, डिसफेजिया हमारी बोलने से रिलेटेड होती है, अब यहाँ पर डिसलेक्सिया हमने बताया कि पढ़ने से रिलेटेड है, तो डिसप्रेक्सिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसप्रेक्सिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 31 हो गया ना, अधिगम निरोग्यता जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या है, तो वो एक चर अवस्था है और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको एकदम रट लो, याद कर लो, घोल के पी जाओ, ठीक है, एक चर अवस्था है ये, अधिगम अक्षमता जो लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो एक चर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त हैं। अगर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल नीडी चिल्ड्रन हैं, उनको पढ़ने के लिए कौन से सबसे उपयुक्त है, तो सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूटोरिंग, ठीक है, कि मतलब उनको ग्रुप में बैठाना, पीयर में बैठाना, कि आपस में ही, क्योंकि बच्चा आपस में ज़्यादा सीखता है बजाय हम उसको कुछ सिखाएं, तो सहकारी अधिगम बहुत हेल्पफुल रहता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिगम की योग्यता का लक्षण है कि अगर आप अधिगम कर रहे हैं उसकी योग्यता आपके अंदर है, तो उसका लक्षण है अवधान यानी एकाग्रता संबंधी विकार, ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, एक मिनट, अधिगम की योग्यता का लक्षण है तो भागने की प्रवृत्ति होना, ये तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप अधिगम करने के योग्य हैं तो आप भागोगे तो होनी, अशांत ऊर्जावान एवं विंदेशक होना ये भी नहीं होगा, इसमें ऊर्जावान तो फिर भी ठीक है बट अशांत आ गया तो गलत हो गया। अभिप्रेरणा का अभाव आपके अंदर होगा नहीं, तो अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार, ये बाधा समझ नहीं आ रहा, एक मिनट, योग्यता का लक्षण है अवधान बाधा, योग्यता संबंधी लक्षण है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आई थिंक क्वेश्चन सही नहीं है या ऑप्शन सही नहीं है, इन्होंने यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि अधिगम की योग्यता का लक्षण है, तो गूगल मैंने किया है तो वहाँ पे निर्योग्यता वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई योग्यता वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर होगा कि योग्यता का लक्षण है, तो देखो तीन तो है निर्योग्यता के लक्षण हैं, तो
तो अब योग्यता की बात है तो आई थिंक ऑप्शन में ही कुछ करेक्शन होगी कि एकाग्रता की वो कह सकते हैं एकाग्रता की अधिकता इस तरीके से बाधा तो नहीं होगा, फिर तो वो निर्योग्यता में आ जाएगा ना अगर कोई बच्चा मतलब कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो आई थिंक ऑप्शन में ही कुछ कमी है। और फिर भी किसी को कुछ लग रहा है कुछ इस तरीके से कुछ लॉजिक इस चीज़ का तो प्लीज़ वो कमेंट कर सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 35 की बात करते हैं। 35 है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन। तो ये व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समानार्थ में किया है? तो ये है सृजनात्मक, ठीक है, किस में किया है? सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी में। और मैंने अभी वीडियो बनानी भी है अभी मुझे अपसारी व अभिसारी चिंतन में, ठीक है, तो मैं आपको जल्द ही उस चीज़ के बारे में क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है, तो वो किया है सृजनात्मकता में, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तो वो है अति कल्पना, ठीक है। और उसमें है कि जो शारीरिक निर्योग्य हैं, जो मतलब स्पेशल निरी इंसान है, उसके लिए कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र में कैसे में संतोषजनक होगी, ठीक है, तो अति कल्पना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? बच्चे के अंदर अगर हमें क्रिएटिविटी डेवलप करनी है तो इसका सबसे बढ़िया आंसर होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, विचार विमर्श वगैरह करना, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। व्याख्यान विधि तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, दिए जा रहे हो तो उससे थोड़ी हो जाएगा कि आप बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों नॉट पूर्वजों उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो आप उसे समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए, तो यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे कि अच्छा बच्चा मतलब जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, है ना, और उसकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे। यहाँ पर ये गलत पिक किया हुआ है इन्होंने, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं बच्चा क्रिएटिव आंसर्स दे तो उसके लिए क्या मतलब कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए? तो उसके लिए होने चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब जिसमें कोई एंड ना हो, ठीक है, जैसे मतलब कोई स्टोरी आधी बता दी आधी छोड़ दी, भाई बताओ इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, तो बच्चा अपने तरीके से सोचेगा। अब आप ऐसे पूछ रहे हो बताओ भाई इंडिया गेट कहाँ पर है, तो सीधा सा आंसर है दिल्ली में, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो एंड हो गया। तो ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस होने चाहिए अगर आप बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं पिछले साल से इसमें से तैयारी करवा रही हूँ, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पिछली बार जितने भी एंट्रेंस की मैंने तैयारी करवाई थी तो कुछ एक क्वेश्चंस इस पीडीएफ के अंदर से भी आए हुए थे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो वन लाइनर क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो उसको हम लोग रखते हैं मिट्टी के तेल में। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो धमनियों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेटिक रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में लेकर जाना। थर्ड है हमारा हवा, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है तो वो कहलाती है थल समीर। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और अरुण। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रभाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फिलामेंट। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है
लघुत्तम समय अंतराल पूछा है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो वो है 1 सेकेंड। 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें दूध के दांत कहते हैं। टेलीस्कोप में किस दर्पण का, टेलीस्कोप होगा आई थिंक ये, कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण का। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता है, वो सेल्यूलोस कहलाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा है मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अधिकतम न्यूनतम तापमानी का, तापमापी का। सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा जो सूरज की रोशनी है या ऊष्मा है वो हम तक पहुंचती है। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे संरक्षण और जंग लगने से बचाती है। ठीक है, तो जिंक होता है वो लोहे को जंग लगने से बचाता है। टॉर्च में किस प्रकार का जो दर्पण है वो यूज़ होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा होता है क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो ओम में। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अंतःसंयंदन। ठीक है, उसके बाद हमारा है लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक के। किस प्रकार द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचारण होता है, तो चालन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं, तो बायोविडिसाइड्स। उसके बाद हमारा है लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए किया जाने वाला सामान्य अग्निशमन यंत्र कौन सा है, तो वो है हमारा जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबंधित किया जाता है, तो वो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है, तो वो है आयन। पानी के गिलास में रखा 1 चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो ये है प्रकाश का अपरिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। धूम कोहरा जो स्मॉग होती है वो किसका मिश्रित रूप है, ये भी पूछा जाता है, धुआं और कोहरे का। ठीक है, स्मोक एंड फोग। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके क्या कारण है, तो इनके कारण है वायरस। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है, तो वो है हमारा प्रभावी आसवन। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, तो वो है फ्यूज। पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में रूपांतरित कर सकता है उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, तो राइबोजियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल क्या होता है हमारा, बढ़ता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन करने की आवश्यकता होती है, तो वो है लोहे और कैल्शियम से। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी जिसे हम कहते हैं। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, तो शनि है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में। पानी को भी संक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो वो हमारा क्लोरीन है। समुद्री हवा किसका परिणाम है, तो वो है संवहन का। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं, तो 7 रंग इसका आंसर है।
मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसलिए छाया बनती है। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है वायरस। जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ह्यूम्स इससे प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भ्रमण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, तो इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। ज़मीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है बेलन घर्षण का। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, तो ऐसा व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो वो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का क्या होता है? कुचालक होता है। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? तो वो ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हमारा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 MHz में MHz क्या दर्शाता है? तो मिलियन हर्ट्ज। वृद्धिकर हार्मोन्स इनमें से इसमें उत्पादित होते हैं पीयूष ग्रंथि में। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? घनायन। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक कीपदार बादल जमीन पर पहुंचता है क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं बवंडर। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। CNG गैस का प्रमुख संघटक क्या है? मीथेन। ये पूछा गया है बार बार क्वेश्चन। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो होते हैं। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है ड्रिप सिंचाई, ये भी पूछा गया है। मेघ गर्जन का क्या कारण है? विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है मैनोमीटर। डेंगू वायरस का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया किसने पता लगाया था? विलियम ब्यूमोंट ने। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वो है एनेमोमीटर। पवनों के चलने का कारण क्या है? पृथ्वी के असमान ताप। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। लाइकेन इसका उदाहरण है सहजीवी संबंध का, और अभी हमने ऊपर किया अभी तक इस क्वेश्चन को किसके बीच का है वो भी बताया था। अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। उसके बाद है बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, सबको पता ही है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके द्वारा निर्मित होता है? तो वो होता है यकृत के द्वारा। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो स्टेथोस्कोप। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश से अभिसारित करता है? तो उत्तल लेंस इसका आंसर है।
जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलिथीन के साथ रगड़ा जाता है तो स्ट्रॉ जो में जो चार्ज उत्पन्न होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है। ध्वनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती सॉरी धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि धमनियां हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक लेकर जाती है। पंचमणि जैव मंडल कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक नैनो सेकेंड है एक सेकेंड का एक अरबवा हिस्सा। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हल्के रंगे कपड़े क्योंकि इससे कम ऊर्जा अवशोषित होती है। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो हमारी छवि में हमारा बाएं हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखता है और दाएं बाएं की तरफ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। कौन सा रस वसा को पचाने में काम करता है? पित्त रस है। बढ़ते हुए पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कहलाता है हीमोग्लोबिन। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा प्रकाश तरंगे। तार में धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तार की लंबाई की धातु की प्रकृति और मोटाई पर। स्ट्रोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है कि वे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। एक सेब पेड़ से सीधे ज़मीन पर गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो सबको पता ही होगा, न्यूटन का लॉ है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तारकोल। बावड़ी क्या है? बावड़ी जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। मेंढकों के कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन है थायरोक्सिन। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है प्रकाश का परिक्षेपण। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो वो होता है हमारा नीला। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है, इस गैस का नाम क्या है? ऑर्गन। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे प्रवासी पक्षी। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। खाती का क्या है? खाती का एक सिंचाई की विधि है। डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है, अल्कोहल के अंदर उसको डबोया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाले हार्मोन से एड्रेनालिन, ठीक है। उसके बाद हमारा है सब्जियों फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में इतना समय लगता है 1 से 2 सप्ताह। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अंतर्जलीय भूकंप तरंगे सुनामी कहलाती हैं। चौलाई और घास खरपतवार पौधे होते हैं। किस ताप पर संग्रहित करने वाला भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा, आप कम से कम रिवाइज तो ज़रूर कर लेना, 2 बार तो ज़रूर देख लेना हर वीडियो को। मैंने और भी वीडियोस अपलोड की है ताकि हमें जब 2-3 बार हम कुछ चीज़ देख लेते हैं तो वो हमारे माइंड में एकदम बैठ जाती है, तो अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग ईजिली उसको टिक कर लोगे। एक बार देख के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं भी कोई प्रिपरेशन करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी 2-3 बार चीज़ों को देखती हूँ। तो ये मेरी सलाह मतलब मेरी छोटी सी सलाह है आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारा है कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉरेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर है? 37.8 डिग्री सेल्सियस। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? तो वो है मृदा अपरदन। जब हम टेलीविज़न की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं? हम आयाम को बढ़ा रहे हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल।
कोल गैस किसका मिश्रण है? मिथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ऑडोमीटर के द्वारा। पूरी एक ऋतु एक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र परती। क्या कहलाती है? क्षेत्र परती। उसके बाद हमारा है, स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसे दिखाई देती है? वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी। वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक स्थान में रहते हैं क्या कहलाता है? तो उसको हम अभयारण्य कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई हमारी है केल्विन है। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो वनारोपण। ठीक है कि मृदा अपरदन ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा कर पेड़ पौधे लगा कर हम उसको रोक सकते हैं। संरक्षण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है और ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। परिपथ किसे कहते हैं? बिजली के प्रभाव को पूरे को परिपथ कहते हैं। सबको पता भी होगा, ये 9th-10th में एक प्रैक्टिकल भी था हमारा। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तुओं की गति अवस्था को बदलने में कौन सा बल उत्तरदायी है? घर्षण बल। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। हमारी भी शॉप है तो उसमें वो रसना के पैकेट है वो सारे फूल गए, पता नहीं क्यों रखे। आज मुझे पता चला कि किण्वन उसका रीज़न है, मतलब रखे हुए थे अभी अपने आप ही सारे फूल गए, फिर वो फेंकने पड़े किसी को देना, किसी को नुकसान हो जाए। तो आगे है हमारा, ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 46, 23, 23। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि उससे गर्मी को वो अवशोषित करते हैं तो हमें ठंड कम लगती है। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? अमलीय वर्षा के कारण। और ये हमारा DEET SSB में भी पूछा गया था क्वेश्चन और एंट्रेंस में भी पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। ज़्यादातर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, तो बस वही है। तो जहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बता भी रही हूँ आपको साथ साथ। उसके बाद हमारा है, सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है, करंट सा लगता है ना, तो उसको वो क्यों होता है? तो वो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इस वजह से ऐसा होता है। उसके बाद है हमारा, ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने में। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? तो विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस हमारा है फ्यूज़। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं जैविक संदूषक। पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है और चीज़ों को चिपकने और जल्दी से ख़राब होने से ये रोकता है। ठीक है, लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है। आज संडे है, मैं जल्दी उठ गई वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फिर शोर शुरू हो जाएगा, उबासियाँ आ रही है अभी इस टाइम पे। और इसके बाद हमारा है, पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वो सड़क के पृष्ठ लेपन में। ठीक है, रोड सरफेसिंग में। एस्टिगमैटिज्म एक बीमारी है तो आंखों की, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व डॉक्टर्स डे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, मेल्कोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का। किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो लगभग 6 लीटर। विद्युत धारा
का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? कैराडे के द्वारा। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम साइकोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी टीचिंग के एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ मैं समझाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगी, जहाँ लगेगा कि समझाना है वहाँ मैं डेफिनेटली समझाऊँगी, बट किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकता है, या फिर मेरे टेलीग्राम पे जाकर मुझसे पूछ सकता है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, इंग्लिश वाला पढ़ लेना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? तो शारीरिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक सभी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर टू है, डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, तो इसका जो आंसर है वो है सूक्ष्म प्रणाली, ठीक है, जो माइक्रो सिस्टम है वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। थर्ड वाला है, इसका तो सबको पता ही होगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और प्लीज़ बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, तो वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर करना। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, कितनी बुद्धि उन्होंने दी है ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर फोर है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता? अगर किसी को कोई स्कूल चलाना है, बनवाना है, ठीक है, और उसको चलाना है तो उसको वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर फाइव, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अगर आप कहीं भी स्थायी परिवर्तन देखें तो सीधा आँख मीच के आंसर लगा देना अधिगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आरटीई एक्ट जो है हमारा 2009 में आया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, उसमें शिक्षा का क्या अर्थ है? तो पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा उसमें दी हुई है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? तो इसका आंसर है जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। आरटीई एक्ट 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो इसका जो आंसर है वो है 45 आवर्स। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तो इसका ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, दैहिक संरचना, वाहिनी ग्रंथियां, या स्थितिजन्य संरचना। तो इसका जो आंसर है वो है स्थितिजन्य संरचना। क्वेश्चन नंबर टेन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प चाहूँगी, इसमें मुझे बहुत डाउट हो रहा है और मैंने काफ़ी ट्राई किया इसका आंसर ढूंढने का, बट मुझे आंसर का एग्जैक्ट मिल नहीं रहा, कहीं क्या दिया हुआ है, कहीं क्या दिया हुआ है, बट रिग्रेशन, रूपांतर जैसे पैदा होता है, ये एक तो ना ये क्लियर नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैंने तो काफ़ी गूगल भी करके देखा, और वैसे आंसर जो दिया हुआ है उस पे गूगल पे जो मैंने निकाला है इसका आंसर, तो वो है प्रोग्रेशन का जो लॉ है। बट फिर भी अगर किसी को एग्जैक्ट इसका आंसर पता है, क्योंकि गूगल पे तो यही दिखा रहा है, बट मुझे जहाँ पे डाउट होता है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, जहाँ मुझे भी डाउट होता है मैं भी आपकी हेल्प लेती हूँ। तो प्लीज़ अगर इसका आंसर किसी को क्लियर है तो वो मुझे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है गतिशील दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 12 है, परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है? तो इसका होता है विश्वसनीयता। मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी, डिफरेंस बताऊंगी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस नियम के अंतर्गत आता है? तो आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। और अगर ऑप्शन में 2009 नहीं होता तो आप 2010 टिक करना, क्योंकि 2009 में हमारा आरटीई एक्ट आया था और लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 2009 नहीं मिलता है आपको, तो आप लोग किस पे टिक करोगे? 2010 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक से अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर आप किसी को कोई मतलब रिवॉर्ड दे रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं तो इस तरीके से सीखना क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो जो अपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो किसने दी है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है इदम अहम पर अहम, ठीक है, ईडीगो सुपर ईगो उन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है हमारा समस्थिति। और यहाँ पर है कि सीता एक डे केयर में काम करती है और उसका जो सैलरी है वो कम है और टाइम ज़्यादा है, लेकिन वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और वो कोई अच्छे सैलरी वाले जॉब की तलाश करने की इच्छा भी नहीं रखती, तो वो किस तरीके का मोटिवेशन है, तो वो इंटरनल आंतरिक, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, अगर आप प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर रहे हैं तो आप उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम को हम वो प्राथमिकता दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग के दृष्टिकोण, बच्चों माता पिता का अलग है बच्चों के लिए, शिक्षकों का अलग है, सामुदायिक दृष्टिकोण अलग होगा, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आंसर सेम ही होता है चाहे कोई भी उसे चेक करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो एकदम नीरस जीवन शैली, तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 21 एक डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, तो ये डार्विन ने कहा था, स्टेटमेंट भी आती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के में निम्नलिखित से कौन सा प्रमुख काल नहीं है, तो सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशन है, साइकिल जो चक्रीय चक्रण है ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद 23 है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विचार, थिंकिंग, ठीक है। जब आप सूचनाओं को संसाधित कर रहे हैं, मतलब जो मेंटल एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन द ब्रेन व्हेन अ पर्सन प्रोसेसिंग इज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, तो वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस कहलाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IQ निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो MA, ठीक है, बट MSCA इंटू 100, मेंटल एज, ठीक है, और ये CA का क्या था, वास्तविक उम्र बोलते हैं, मैं भूल गई इंग्लिश में, ठीक है, और फिर इंटू 100। उसके बाद है एसिमिलेशन इज, तो एसिमिलेशन क्या है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, ठीक है, मैं इसका भी डिफरेंस बताऊंगी आपको, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो बहुत ईजी तरीके से मैंने अपने बनाए हुए एग्जाम्पल से याद किया हुआ है, तो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूँगी उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा के 3 मुख्य आधार स्तंभ है, तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने में कठिनाई जब होती है बच्चे को तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। व्यक्ति को जब हम चित्रों की श्रृंखला दिखाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप उससे कहानी बनाएं, तो यह कौन सी टेक्निक है, ठीक है, तो ये है TAT, ठीक है, तो आप इसके मुझे TAT की फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा निर्धारण मापनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो हल्की मंदता है, गंभीर मंदता है, मध्यम मंदता है, बट तीव्र मंदता नहीं होती है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, अगर एटलीस्ट मुझे 50 व्यूज़ इस वीडियो पे मिलते हैं तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और अपने सजेशन प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज़ का ध्यान रखूं।
और PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं इसका PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम पे। थैंक यू। हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं और होप ये सारे MCQs आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और कहीं कोई करेक्शन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियोस पे, इस वीडियो पे आफ्टर गेटिंग 100 व्यूज़ आई विल प्रोवाइड द PDF इन टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा, वो कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप लोग मेरा वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसका आंसर है हमारा ए, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अंदर महिलाओं को नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो इसका आंसर है हमारा वर्ष 2001, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र किस संस्था में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? तो ये आपको बताना है और ये सबको पता ही होगा इसका आंसर, सुरक्षा परिषद, जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, UN सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? अब आपको बताने हैं कि 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो इसका जो आंसर है वो है सी। देखो, चीन है, फ्रांस है, रूस है, UK है और USA है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, 91 नंबर पे जो संविधान संशोधन हुआ था, तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक निर्धारित करता है? तो ये है 15%, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? और मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको पता होगा, तो पता ही है ना, सी आंसर है इसका। निम्न में से अध्यक्षात्मक, भाई कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन की बड़ी गड़बड़ हो जाती है, अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली जो होती है सरकार किस प्रकार से बनती है? तो आपको ये बताना है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। तो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोराव नहीं और राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, जो राष्ट्रपति वाली सरकार है वो किस प्रकार बनती है, तो ये सारे ही जो स्टेप्स है उसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि 2 वर्ष होती है, ठीक है, इसको रट लीजिए, कितने वर्ष होती है, 2 वर्ष होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, 9 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? और मुझे लगता है इसका आंसर भी आपको आता होगा, जो ताशकंद समझौता हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री जी और अयूब खान के बीच हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रवर्तक सबको पता ही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखो, जनसंख्या निर्धारित करती है कोई राज्य, ठीक है, भूमि सरकार, बट सेना नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यासी परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य परिषद है, हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
डी क्या हो जाएगा हमारा 14 का आंसर डी, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा और देखिए अगर आप मुझे कमेंट कर जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कमेंट करते हैं तो उससे लगता है कि हाँ कनेक्टिविटी है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं समझ रहे हैं और मैं आप ही के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मतलब वो मेहनत आप तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ बीच में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर अगर आपको पता है, पता नहीं है तो आप लोग मुझे प्लीज़ उसको सर्च करके फाइंड आउट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमारा भी दिमाग चलना बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए ठीक है। मैं कुछ कुछ सस्पेंस यहाँ पे छोड़ देती हूँ ताकि आप उस चीज़ को फाइंड आउट करें, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा भारत के लिए चुनौती उत्पन्न नहीं करती है, तो ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, जातीयता, ये चुनौतियां उत्पन्न करती है बट समाजवाद नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाए, सॉरी 15 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है, तो केंद्रीकरण, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी का मतलब जो विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था, मतलब गांधी जी ने क्यों समर्थन किया था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। तो ये तो होगा नहीं भारत में, अतीत में ये नहीं होगा, देश के आर्थिक विकास के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से वह कौन सा वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई भी अंतर नहीं है, तो यूके इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है ये आपको बताना है, तो महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 ये गलत है, कब आया था ये आपको मुझे बताना है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971, महिलाओं पर क्रूरता 1995, बट सी ऑप्शन हमारा गलत है, सही क्या हो सकता है ये आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, बाडुंग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और सबको पता ही होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार है जो अधिकार नहीं माना जाता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, पीने का सुरक्षित पानी, रहन सहन का उचित शोषण संरक्षण, बट रोजगार नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सही जोड़े बनाइए, संगठन है और मुख्यालय है और मुख्यालय पूछे जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको देखने हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 22 है इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम डी मैच करके देखते हैं, यहाँ पे ए का है 5, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास वियना में है, ठीक है, और उसके बाद हमारा है बी का है 4, खाद्य एवं कृषि संगठन हमारा रोम में है, आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं, उसके बाद सी का है 1st विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में है, और डी का है 2, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन हमारा पेरिस में है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, और मुझे लगता है या मुझे ऐसा यकीन है कि आपको इसका आंसर आता होगा, तो 23 का आंसर क्या है, बी मैकियावली, ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, मैकियावली ने किया था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है तो सबको पता ही है, अरस्तु ने बोली थी ये बात, अरस्तु जी ने, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, तो किसने कहा था, ये भी अरस्तु जी ने कहा था। लोकतंत्र के दो मुख्य रूप कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, लोकतंत्र के दो मुख्य रूप कौन से हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, कहाँ प्रयोग किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। सो होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको समझ आए हो, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना, अगर 100 जैसे ही 100 व्यूज आएंगे ना मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप
रिवाइज भी कर सके। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि हाँ अगर आपको मतलब वो मांग आपूर्ति वाला चलता है ना एक, तो उस टाइप से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।